everyone, good morning. Today's subject English and today we will do activity. So students, in previous class we have learned capital letters A to Z. हमने अपनी English की अब तक की class में क्या learn किया है और क्या सीखा है? A to Z alphabets. वो कौन से letters? Capital letters. Okay? आज हम उसी के regarding students activity करने जा रहे हैं. तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल इन द मिसिंग लेटर्स. मैंने ए से लेकर ओ तक मिसिंग लेटर्स आपको इससे पहले भी करवाए हैं. आज मैं आपको पूरे ए टू जेड बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना. आई होप कि आपको ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स आप लोगों ने लर्न भी किए हैं, साथ साथ उनकी लिखने की भी प्रैक्टिस की है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ये अपनी एक्टिविटी करते हैं स्टार्ट. ओके, सो लुक एट दिस ब्लैकबोर्ड. अब आप पहचानना ये फर्स्ट लेटर मैंने कौन सा लिखा है. विच इज दिस लेटर? फर्स्ट लेटर है हमारा ए, ए फॉर एप्पल. ओके, अब ए के बाद में क्या आता है आप बताइए. मैंने आपको आफ्टर नंबर्स बताया ना मैथ्स में, तो ए के बाद में क्या आएगा? अब यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा मैं बताती हूँ. ए फॉर एप्पल के बाद में क्या आता है? बी फॉर बॉल, है ना. अब फिर से हमारा ब्लैंक आ गया. अब इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? तो ए बी, फिर क्या आएगा? C फोर कैट. ओके, अब देखिए A B C D, D फोर डॉग लिखा हुआ है. अब D फोर डॉग के बाद में फिर से ब्लैंक आ रहा है, तो इस ब्लैंक स्पेस में हम क्या लिखेंगे? D के बाद में क्या आता है? E फोर एलिफेंट. अब एलिफेंट मैंने इस स्पेस में लिख दिया. F फोर फिश लिखा हुआ है. F फोर फिश के बाद में G फोर ग्रेस लिखा हुआ है. फिर H फोर हैन लिखा हुआ है. अब एच फोर हैन के बाद में जो स्पेस ब्लैंक है इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें आपको फिल करना है. क्या आएगा यहाँ पर? एच फोर हैन आई फोर आइसक्रीम. ओके, फिर आई फोर आइसक्रीम के बाद में फिर से ब्लैंक है स्पेस, तो इसमें क्या आएगा? आई फोर आइसक्रीम के बाद में क्या आता है? जे फोर जग. अब देखिए जे फोर जग हमने लिखा है और के फोर काइट लिखा हुआ है, तो K फोर काइट के बाद में आप फिर से ब्लैंक स्पेस है, तो इसमें क्या आएगा? I फोर आइसक्रीम, J फोर जग, K फोर काइट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? L फोर लायन. अब देखिए L फोर लायन लिखा है, फिर M फोर मंकी पहले से लिखा हुआ है, N फोर नेस्ट भी लिखा हुआ है, फिर से ब्लैंक स्पेस है, तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? N फोर नेस्ट, O फोर ऑरेंज. अब O फोर ऑरेंज के बाद में फिर से इस जो है ब्लैंक है, आप लोग देख रहे हैं ना. अब देखिए M फोर मंकी, N फोर नेस्ट, O फोर ऑरेंज मैंने लिखा है. O फोर ऑरेंज के बाद में क्या आता है हमारा? P फोर पीकॉक. ओके, अब नेक्स्ट रो में आते हैं. Q फोर क्वीन, R फोर रोज, है ना, दिख रहा है आपको? Q फोर क्वीन लिखा हुआ है, R फोर रोज लिखा हुआ है. अब इसमें भी ब्लैंक स्पेस है ना, इधर भी है, इधर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हम इनको फिल करते हैं. तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा. Q फोर क्वीन, R फोर रोज, R फोर रोज के बाद में क्या आता है? S फोर शेप, ठीक है. तो फिर से ब्लैंक स्पेस है, Q R S. अब इस स्पेस में क्या आएगा? S के बाद में क्या आता है? T फोर टाइगर. अब T फोर टाइगर के बाद में लिखा हुआ है U फोर अम्ब्रेला, नोट किया हुआ यहाँ पर. अब फिर से ब्लैंक स्पेस है, तो इसमें क्या आएगा? फिर से इस रो को देखते हैं. Q फोर क्वीन, R फोर रोज, S फोर शीप, T फोर टाइगर, अब U फोर अम्ब्रेला. अब यहाँ पर इस स्पेस में क्या आएगा? V फोर वैन. अब V फोर वैन के बाद में क्या लिखा है? W फोर वॉच, ये लिखा हुआ है ना. अब इसके बाद में फिर से ब्लैंक स्पेस है, तो इस पर फिर से रो को देखते हैं. Q फोर क्वीन, R फोर रोज, S फोर शिप, T फोर टाइगर, U फोर अम्ब्रेला, V फोर वैन, W फोर वॉच. अब हमारा क्या है W फोर वॉच के बाद में क्या आता है आप बताएं? मैं बताती हूँ, X फोर एक्समस ट्री या फिर एक्स फोर एक्स रे. अब देखिए वाई फोर यार लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको वाई फोर यार. अब लास्ट में क्या आता है? अब
देखिए फर्स्ट लेटर हमारा लेटर्स कैपिटल लेटर्स के अल्फाबेट्स में फर्स्ट लेटर हमारा ए होता है, तो अब लास्ट लेटर क्या होगा? यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता दी हूँ, ए टू जेड हमने लेटर्स लर्न किए हैं, तो हमारा लास्ट लेटर कौन सा होगा? वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा। ओके, तो हमने मैंने लास्ट में क्या लिखा है? जेड फॉर जेब्रा। अब हमने ए से लेकर जेड तक फिर द मिसिंग लेटर्स लर्न किए हैं, किसमें? कैपिटल अल्फाबेट्स में। ओके, इसी के साथ आज हमारी कैपिटल लेटर्स जो है मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्मॉल लेटर्स, जो मैं आपको आगे की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप इनको अच्छे से लर्न करना, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, बार बार रिवाइज करना, ताकि आपको एकदम अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।